दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि HDFC बैंक इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल से मनी ट्रांसफर कैसे किया जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से आप आपके HDFC बैंक इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पर बेनिफिशियरी ऐड कर सकता है। वो वीडियो को अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के आई बटन में जाके या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सबसे पहले वो वीडियो को देख लीजिए। और आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरे HDFC बैंक इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल से एक मनी ट्रांसफर करके आपको कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। और इसको देखने के बाद आप काफी आसानी से आपकी HDFC बैंक इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल से मनी ट्रांसफर करना सीख जाएंगी। उसके लिए ये वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना है। तो मेरा नाम है मिथुन और आप देख रहे डिजिटल मिथुन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल मिथुन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। HDFC बैंक इंटरनेट बैंकिंग से पैसा भेजने के लिए सबसे पहले आपको गूगल के क्रोम ब्राउज़र पर जाना है। गूगल के क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद सर्च बॉक्स में आपको सिंपली लिखना है HDFC बैंक। HDFC बैंक लिख के सर्च करने के बाद सबसे पहले आपको एक वेबसाइट देखने को मिले HDFCBank.com। उसके नीचे आपको एक नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा ताकि आप आसानी से इस वेबसाइट पर आ सके। उसके बाद आपको इधर लॉगिन के एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसके ऊपर आपको एरो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद नेट बैंकिंग के ऊपर क्लिक करना है। नेट बैंकिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो भी यूजर आईडी कस्टमर आईडी है वो आपको डालना है। तो चलिए हमारा जो कस्टमर आईडी है इंटरनेट बैंकिंग का वो हम डाल देते हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा जो पासवर्ड या फिर पिन है वो भी हम डाल देते हैं। उसके बाद हम नीचे को इसको सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करके हम लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे सामने नेट बैंकिंग का जो पेज है ओपन हो जाएगा। उसके बाद आगे प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको थोड़ा जूम करके आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि हमारा जो अकाउंट है लॉगिन हो चुका है। उसके बाद अगर हमें फंड ट्रांसफर करना है तो फंड ट्रांसफर के ऊपर हमें क्लिक करना पड़ेगा। फंड ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। जैसे मुझे HDFC बैंक से एक्सिस बैंक में पैसा ट्रांसफर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर टू अदर बैंक का जो ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो फंड ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आपके नेट बैंकिंग पोर्टल पर उनका बैंक डिटेल्स को ऐड करना पड़ता है, जिससे हम बेनिफिशियरी या फिर ऐड पे बोलते हैं। तो सबसे पहले उसको ऐड करना पड़ता है, उसके बाद ही हम उनके बैंक अकाउंट पर पैसा भेज सकते हैं। तो बैंक अकाउंट कैसे यानी कि बेनिफिशियरी कैसे ऐड कर सकते हैं इसके बारे में कंप्लीट वीडियो पहले आपको बना के दिखा दिया हूँ। तो वीडियो का लिंक आपको वीडियो के आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको देख के सबसे पहले आप जो है बेनिफिशियरी ऐड करना सीख लीजिए। उसके बाद हमें इधर गो के ऊपर क्लिक करना है। नीचे गो के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि इधर हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है फ्रॉम अकाउंट। तो ऑटोमेटिकली इधर ऑप्शन देखने को मिलेगा आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स। उसके बाद बेनिफिशियरी के बाजू में एक एरो दिख रहा है, उस पर आपको और क्लिक करना है। तो जितने भी बेनिफिशियरी आपने ऐड कर रखा है उसका डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल हमारा एक ही है तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा जो एफसी कोड हमारा बैंक अकाउंट नंबर इधर आपको देखने को मिल जाएगा सामने वाले का। उसके बाद कितना रुपया भेजना चाहते हैं इधर से आप एंटर करेंगे। जैसे मुझे 1000 रुपया भेजना है। उसके बाद ट्रांसफर डिस्क्रिप्शन में कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे मुझे टेस्टिंग लिख देता हूँ। उसके बाद आगे इधर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ट्रांसफर टाइप, ट्रांसफर नाउ है। उसके बाद और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, शेड्यूल पेमेंट है, सेट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है। तो जो भी आप चाहे कर सकते हैं। अगर आपको तुरंत भेजना है तो ट्रांसफर नाउ क्लिक करेंगे, शेड्यूल पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो है एक पर्टिकुलर डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, उस डेट और टाइम में आपका पैसा चला जाएगा। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा फंड ट्रांसफर स्टेटस टू बी सेंड टू सिलेक्ट ऑप्शन। इधर आपको एक एरो देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर मोबाइल या फिर मेल में आपको ट्रांजैक्शन का जो नोटिफिकेशन है डिटेल से आप जानना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर पर ले सकते हैं। तो आपको इधर मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद आपको इधर जो है नीचे एक बार आई एक्सेप्ट करना है, इसके अंदर टिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है।
तो जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको फिर से एक बार जो है इसको डिटेल्स को चेक कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ नोट्स भी देखने को मिलता है कि हम एनईएफटी का जो टाइमिंग है वो हिसाब से किस तरह से काम करते हैं, इधर से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू जो है एक ओटीपी जाएगा, तो आप प्लीज़ कन्फर्म। तो हम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों कर लेते हैं। दोनों बॉक्स के अंदर आपको टिक करना है। मोबाइल नंबर पे अगर ओटीपी चाहिए तो वो भी डाल के कर सकते हैं, आप अगर ईमेल आईडी पे ओटीपी चाहिए वो भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम मोबाइल नंबर को सिलेक्ट किया, उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। तो हमारा मोबाइल नंबर पर जो है 30 सेकंड के अंदर एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी को आपको ई बॉक्स के अंदर डाल देना है। तो चलिए ओटीपी को डाल देते हैं। उसके बाद नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। रेफरेंस नंबर भी हमें मिल चुका है, फ्रॉम अकाउंट्स हमारा बैंक अकाउंट नंबर और सामने वाला का भी बैंक अकाउंट नंबर हमें मिल चुका है, और इसका जो डिटेल्स हमें मोबाइल में मैसेज के थ्रू आ चुका है। तो आप इस तरह से आपकी HDFC बैंक नेट बैंकिंग पोर्टल से किसी के भी बैंक अकाउंट पर पैसा भेज सकते हैं। तो आशा करते हो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इस वीडियो से जुड़े अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के सवाल है या सुझाव है तो आप नीचे मेरे साथ कॉमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। और आने वाले समय में और भी नई नई ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।